हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. और आज है हमारी एनिवर्सरी, मतलब ये आज मतलब पहला एक व्लॉग शूट हुआ था और ये दूसरा जो है व्लॉग स्टार्ट हो चुका है. और ये वाइट प्लेन कुर्ता जो है वो मैंने मतलब वन पीस ही है वो मैंने पहना है. और बहुत ज़्यादा थकावट है मैं आपको बता नहीं सकती. आपको बता दो हम 8 बजे निकले थे और 5 या 4:30 बजे पहुँचे, तो सोच सकते हो कितनी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है. क्योंकि हम मतलब जो गूगल वाली मैप वाली आंटी है ना, गूगल मैप वाली आंटी, उसने ना हमें धोखा दे दिया. मतलब धोखा मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत बताया वो बताया, बट उसने इतना दूर का रूट बताया. सो इस वजह से ना पूरा ये हो गया. और लास्ट टाइम हम जब आए मतलब 3 साल पहले जब हम आए थे, तब हम आए थे गणपतिपुरा, फिर उसके बाद यहाँ पर आए थे, तो वो रूट जो था वो अलग था. और आज का जो रूट था बहुत, मैं इनको बोल रही थी कि यार बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी हो रही, पता नहीं अब इतना टाइम हो रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है. और जैसे कि एक पहाड़ी वाला इलाका था, तो वहाँ पे खाई थी, तो वो वाला इलाका इतना डेंजर था, मुझे सीरियसली चक्कर आ रहे थे, इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे. और क्या हुआ, एक तो मेन चीज़ था वहाँ पर पहाड़ी वाला जो इलाका था, तो वहाँ पर रास्ता जो था वो बहुत छोटू सा रास्ता था. और छोटा रास्ता होने के बाद एक बार क्या हुआ, टर्न जो थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरसली थे. मैं उनको पूछती हुई कौन सा पहाड़ी वाला इलाका था, तो टर्न बहुत डेंजरस था. और हम एकदम नितेश एकदम अच्छी तरीके से ड्राइव करते हैं, तो एकदम स्लोली चला रहे थे और सामने से एकदम ट्रक आ गया. और इतना मतलब वो एक सेकंड कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो जो मिनट एक सेकंड जो था इतना डेंजरस आ रहा था. क्योंकि थोड़ा सा अगर और गाड़ी अगर हमारी आगे जाती तो सीधा खाई में चली जाती, इतना मतलब डेंजरस वाला मोमेंट हो गया था. बट नितेश ने बहुत जल्दी से टर्न मार लिया फिर से. वो मतलब मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खाई से डरती हूँ. और वो जो खाई थी मुझे लगता है पहाड़ी वाला जो इलाका था शायद 52 घंटा था. और मेरा सिर जो है चक्कर मतलब सिर में चक्कर आ रहे थे और मैं अपने भगवान का नाम ले रही थी. जैसे कि आप सभी को पता है मैं स्वामी समर्थ महाराज जी का करती हूँ, और स्वामी समर्थ जी का मैंने बस एक बार नाम लिया, तो जैसे कि आप सभी को बताए स्वामी श्री का नाम भी उनकी वजह से है और मैंने नाम लिया. और आपको मतलब बिलीव नहीं होगा, मैंने वो क्लिप भी डालूंगी. एक ट्रक जो था हमारे पीछे था और उसमें बहुत सारा सामान था और कुछ लोग भी थे उसमें, तो वही ट्रक जो है हमारे पीछे था वो सामने आ गया, ये जो इंसिडेंट होने के बाद सामने आ गया. और मैं मतलब पता नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में आँख बंद करके मतलब पता नहीं क्या कर रही थी. और मतलब मुझे शूटिंग लेना भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब इतना अच्छा मतलब वो सीन था, बट मुझे बहुत डर लग रहा था. तो उस ट्रक में स्वामी समर्थ महाराज जी की मूर्ति थी और बैठी हुई मूर्ति थी, तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने नहीं देखा था, उसमें कुछ लोग थे तो मैं इस वजह से मैंने नहीं देख रहा था. और वो ट्रक जो हमारे सामने ही था, तो मतलब एक जो होता है ना कॉन्फिडेंट, क्योंकि स्वामी समर्थ महाराज जी का एक क्या बोलते हैं स्पीच है कि भ्यू नकोस मैं तुझे पाटीशे है, इसका मीनिंग है ये है हिंदी में कि आप डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूँ. सो वो जो एक्चुअली वो जो गाड़ी पीछे थी वो सामने आ गई. और जब मैंने वो स्वामी समर्थ जी की महाराज जी की मूर्ति देखी तो मैं इतनी मतलब टेंशन फ्री हो गई. मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं, स्वामी समर्थ महाराज जी वो सब कुछ देख लेंगे. क्योंकि वो जो पहाड़ी वाला इलाका 52 घंटा था और इतना डेंजरस वाला इलाका था, खाई जो थी इतनी नीचे थी, मतलब मैं सच में बोलती हूँ मुझसे नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है ऐसा डर, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, ऊंचाई से भी मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ. तो ये सब हो रहा था बापरे. और कोई ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे पहुँचे. आपको बता दूँ इतना टाइम लग रहा था, और क्योंकि आज सैटरडे है, एक भी मतलब रूम नहीं मिल रही थी ढंग तरीके से, नहीं मिल रही थी. रेट भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, कुछ अच्छे रूम्स भी नहीं थे फिर भी बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे. तो मैंने सोचा कि नहीं अच्छी खासी भी रूम देखनी है कुछ भी हो जाए, तो मिल गई अभी. और ये जो है ये हमारी रूम है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है बट ठीक है यार, इतना तो सफिशियंट है. ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तू मरण्यापेक्षा तेने तुझा समोर. ये देखिए ये है हमारी रूम, यहाँ पे टीवी है और ये जो मेरा लैपटॉप बेड और वहाँ पे कबर्ड है और टॉयलेट बाथरूम अटैच है और बहुत अच्छी है, क्लीन वगैरह है रूम.
मेरा ऐसा है कि मैं सबसे पहले देखती हूँ क्लीनिंग और रूम जो है उसमें जो है मतलब एक माहौल एक होना चाहिए कि मतलब आप वहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि अभी हम 2 दिन रहने वाले हैं, क्योंकि इतना टाइम लग गया हमें। तो एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम 12 बजे पहुँच जाएंगे, बट इतना लेट पहुँचे ना हम कि पूरा प्लान ही चौपट हो गया हमारा। हम 5 बजे ऐसे कुछ तो पहुँचे, 8 बजे निकले थे, बाप रे 7-8 बजे ऐसे कुछ तो निकले थे, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना। तो एनीवेज अभी और हाँ, केक का भी क्या हो गया, यहाँ पे मॉन्जिनिस केक था तो उनके पास एक भी केक जो है वो अवेलेबल नहीं है, और एक ही है यहाँ पे शॉप, सो केक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो हम अभी खाने जा रहे हैं फिश, क्या करें अभी, क्या कर सकते हैं, जो है सो है, और ऐसे ही एंजॉय कर रहेंगे हम हमारी एनिवर्सरी। और ये देखिए बहुत ही मतलब बढ़िया होटल है, मतलब सच में बोलती हूँ, ये देखिए गणेशश्री का ड्रेस शूज दिखा, गणेशश्री के न्यू शूज है ये, अरे ड्रेस भी न्यू लिया है कल मैंने, शॉपिंग करके लाई थी, दिखाओ तो, मत निकालो, जाना है अभी हमें, चलो स्वामी श्री चला। ये देखिए यहाँ पे गेट भी है, चला ये देखिए नन्नी सी क्यूट सी परी मेरी, सोना शूज पहनो, चलो आ जाओ यहाँ पे शूज पहनो, शूज शूज शूज। और स्वामी श्री का गणेश जी का ये जो टॉप है ना, मतलब एक शोल्डर जो है वो नीचे करना पड़ता है, तो वो हमेशा खुद से अपने हाथों से, अगर ऊपर चला जाते हैं ना, खुद से अपने हाथों से वो नीचे कर देते हैं ना। अच्छे दिख रहा है स्वामी श्री, अच्छा मेरा। तो मैंने रूम जो है लॉक कर रही है, अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। और ये जो होटल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शेट्टी की जो मूवी होती है ना, उस तरीके का है। ये देखिए कलर वगैरह, मतलब सुबह अच्छी तरीके से दिखेगा आपको, मैं दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया होटल है ये देखिए। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि रात हो चुकी है, और ये देखिए ऐसे देसी की लग रहा है। मुझे वो वाली भी रूम चाहिए थी, बट मैंने सोचा कि स्वामी श्री गणेश जी इस रूम, मतलब यहाँ पे अभी हम हमारे जो रूम है यहाँ पे, तो सामने जो स्पेस देख रहे हैं ना आप, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया है। तो मैंने लाइट जो है वो बंद कर दी, मैं लाइट ऑन करती हूँ 2 मिनट, नहीं रहने देती हूँ क्योंकि अभी हमें जाना भी है, सुबह दिखाऊँगी सच में देख, क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं, फिर से नितेश के पास जाना पड़ेगा। चलिए अभी मैं आपको इस होटल का थोड़ा सा बहुत क्या बोलते हैं व्यू दिखाती हूँ। आपली बेडरूम ची लाइट बंद के लिए, बेडरूम च्या बाहर ची। ये हमारी कार, और केक नहीं है तो मैंने उनको बच्चों को बोला था पहले कि केक आने वाला है, और अभी मतलब गणेशी जो है वो बोल रही कि केक चाहिए केक चाहिए। स्वामी श्री केक नहीं है ना अभी, केक नहीं चाहिए, और ये देखिए यहाँ पे गणेशी फिश खाई सब, मका खाई सब, अभी मतलब बच्चों को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, देखते हैं अभी क्या करते हैं स्वामी श्री गणेश जी का। अभी 8 बज चुके हैं ना, 8 बज चुके, 8:15 बज चुके हैं। और
बोलो गणू बोलो आप उसको ये क्या है हाँ अभी और अभी अभी क्या बोलेगा ईटिंग शुगर कौन बोलेगा अभी सिर्फ वहां पे जाके क्यों बातें कर रही हो देखो कितने नखरे चल रहे हैं स्वामी श्री गणेश जी के स्वामी यहाँ पे आ गलो अब बैठो ओके तो अभी हमने मंगवाया है पॉपलेट थाली और एक कोमड़ी वड़े तो पॉपलेट थाली मतलब पता है उसमें क्या क्या आता है बट कोमड़ी वड़े मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ पहले कभी भी नहीं खाया है कोमड़ी वड़े मतलब उन्होंने कहा चिकन का कुछ तो होता है मैंने यूट्यूब पे देखी है उसका रेसिपी वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट होती है बट देखते हैं फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि कैसे लगती है क्या क्या है और पॉपलेट थाली में मतलब पॉपलेट होगा फिर उसके बाद सोल कड़ी होगी राइस होगा रोटी होगी और अगर हमें और लगेगा तो हम फ्राइड फिश भी लेने वाले हैं तो देखते हैं कैसा लगेगा अगर यहाँ का खाना हमें अच्छा नहीं लगेगा मुझे तो लगता है यहाँ का खाना अच्छा ही होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं मतलब हमारे हम जिस होटल में रुके हैं वहीं पे अभी हम जो है वो खाना खा रहे हैं और यहाँ का पर्व का जो टिकट है 2500 रुपये जो होता है इसमें होता है सीज़न में होता है और अभी जो टिकट है 2000 रुपीज़ है और दो तीन अभी हम रहने वाले हैं यहाँ पे उसमें कुछ हमें ब्रेकफास्ट लंच वगैरह ये सब कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है सब कुछ हमें मतलब अपने पैसों से लेना है और ठंड थोड़ी सी है बट इतनी भूख लगी है इतनी भूख लगी क्योंकि हमने दोपहर को बस मिसरी खाई थी इतना रास्ते में कुछ था ही नहीं कि मतलब हम खाए और मेन चीज़ थी कि लेट भी नहीं होना चाहिए था तो इस वजह से भी तो हमने थोड़ा बहुत ऊपर का ऐसे कुछ खाया था प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाया था सो अभी बहुत मज़े करके खाने वाले हैं पॉपलेट थाली और खोमड़ी वड़े जा तिला म्हणा ये म्याव काय पाहिजे गणू आपल्या गाडी काढून ये देखो स्वामी से देखो कितने चिल्ला रही है ये देखो वहाँ पे देखो अपनी गाड़ी के नीचे गाड़ी हाँ अपने गाड़ी के नीचे गई हो हाँ अभी क्या करूँ पुशिकेट 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 कर रहे पुशिकेट छोटा माँ बंद कर काय 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 विचारला आणि काय म्हणते समजत नाही कस कस काय रे काय कटला कस 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 करते मम्मी कस करते मम्मी आणि
अजून लई काय होते वाटत तुला लई पार्ट आहे तुला जास्त राग होते का मम्मी गणेशीला राग होत नाही ना तुला राग होते समजत नाही शूटिंग घेऊन राहिले काय ते गाणं कोणतं गाणं आहे मोबाईल नको मोबाईल नको अच्छा मोबाईल नाही मोबाईल कुठं आली मी और ये है मेरी पॉपुलर की थाली ये है सोल कड़ी ये पता नहीं फिश है उसमें करी है ये नहीं पता है, मुझे दिख नहीं रहा है और ये फिश है पॉपुलर और ये राइस और ये रोटी बाटे, बाटे। इकडे बघ तर शूटिंग घेते मी त्याचा स्क्रीनशॉट घेते चलो जंपिंग जंपिंग करती है बिगड़े दीदी ये देखती इतनी लाइट नहीं लागत का लाइट नहीं लागत दे पेंट करते चला बंद कपड़े